वेलकम बैक ए टी वी मॉर्निंग और कितना अच्छा लगता है इतनी गर्मी में शिदत में हरे रंग का कोई भी हमें चीज़ नजर आई और फूल रिफ्रेशिंग सो so, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रबिया के साथ मिलके कि घर के अंदर अपना एक रिफ्रेशिंग रिफ्रेशमेंट कैसे क्रिएट करना है जी रबिया जीकम आज मैं कुछ सेकुलेंट प्लांट्स के बारे में बताऊंगी और उन प्लांट्स के बारे में जो आपको सर्दी गर्मी आप दोनों सीजन में आप लगा सकते हैं समर है। में भी और विंटर में भी और ये ग्रीन रहते हैं पूरा साल जो ग्रीन रहते हैं कुछ प्लांट्स है। के बारे में बताऊंगी और फिर हम फ्लावर अरेंजमेंट करेंगे थोड़ी सी ठीक है तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी ये है मिनिस्ट्री ऑफ प्लांट प्लांट कहते हैं इसे मिनिस्टेरिया मिनिस्टेरिया प्लांट होता है मिनिस्ट्री का प्लांट लगता है मिनिस्ट्रीज uh -huh. <laughs> में बहुत ज्यादा होते uh -huh. हैं <laughs> तो ये आ, ये आ, इसको मैं अभी उतार के लेके आई हूँ इसकी रूट निकली हुई है ये पानी में भी ग्रो चल, चल जाता है uh -huh. और आप तो और अंदर इनडोर भी रख सकते हैं आउटडोर भी लग सकते, तो रख सकते हैं पानी है। में इसे लगाना चाहिए यही से मट्टी में मट्टी में भी लगा लें और पानी में भी रख दे तो इसकी देखिए रूट निकलना शुरू हो गई है और इसकी देखिए कॉम्पल भी निकल रही है ठीक है दिखा रहे हैं ठीक है ठीक है ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और मनी प्लांट तो ऑलरेडी सबके घर में ही होता है तो मनी प्लांट की रूट नहीं निकली हुई है तो पे, पे दोबारा जब मिट्टी में इसको ग्रो करेंगे तो वो होना शुरू हो जाएगा मिट्टी, मिट्टी में इसके ये छोटे छोटे इसके पीसेस काट लें जहाँ जहां से इसका बंच बना हुआ है ये देखें तो फिर वहाँ पूरा आपका जो पॉट है वो मनी प्लांट से भर जाएगा ठीक है? है, है।, है, है, है अच्छा ये है एलोवेरा है ये एलोवेरा है अच्छा एलोवेरा ये देसी एलोवेरा है एक तो एलोवेरा होता है वो जंगली होता है और वो खाने के लायक नहीं होता और अक्सर वो कहते हैं हैं कि आप क्रीम्स अपने, 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 अपने 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 या या लोशंस जो भी बनाते उसमें ना इस्तेमाल करें इस जो जो देसी एलोवेरा होता है उसके ऊपर ना वाइट कलर के डॉट्स होते हैं और ये वाला जो होता है ना ये आपके खाने के लिए भी होता है जोड़ों के दर्द में भी लगाते हैं स्किन पे भी लगाते हैं जो भी और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है शुगर के लिए भी ठीक है और ये मैंने हमने ऐसे पॉट में लगाया ये इसको मैं थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है और दूसरा जो सबसे बेस्ट चीज़ है ये है नारियल का, नारियल का, नारियल का। बीच पे बेस पे रेत है और थोड़ी सी मिट्टी है और ये नारियल की नारियल के ऊपर से जो आ, कह सकते हैं बाल, है, बाल होते हैं ठीक है ये वो है और है उसकी ना जी जी और इससे कोको कोको -को बीट बनता है जो आपकी आ, खाद में प्रोवाइड होता है पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है इसको थोड़ा सा रब करें तो एक मटीरियल इसमें से निकलता है और वो उसकी आप जब आप आपके पौधों की जो बेस है ना जब बेस में आप ये वाला जो मटीरियल है ये जो घास है इसकी ये आप हम अक्सर

ये एक और चीज भी पानी जो है हमारा जब पानी डालते हैं वो ड्रेन होकर नीचे से निकल जाता है लेकिन वो थोड़ा सा पानी इसमें भी रिटेन हो जाता है स्टोर हो जाता ये है ठीक तो है ये स्पाइडर प्लांट ये भी आपका गर्मी सर्दी में आपका चलता है और इतनी मजे की रूट्स की क्रिएट होती हैं और इसके जो बड़ा प्लांट होता है उसकी बेबी प्लांट्स बहुत सारे निकलते हैं ठीक है थीक थीक तो ये जो है ये भी आपका गर्मी सर्दी में भी चल जाता है और ये इंडोर प्लांट है और ये सारे जो प्लांट है ना जिस तरह ये है ये स्नैक प्लांट है ये सारे जो है ऑक्सीजन जो है रिफ्रेशमेंट के लिए घर की और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं माहौल को ठीक बजाय इसके कि हम बहुत सारे ह्यूमिडिफायर और इस तरह की चीज़ें लगाएं वो भी इफेक्टिव है मगर इंडोर प्लांट्स का अगर बढ़ा लेंगे तो हम

लेकिन इस तरह ग्रीन करके हम दरख्तों की कमी नहीं पूरी कर सकते दर लगाए स्नेक प्लांट है और ये और ये जो है मैं निकाल के दिखाती हूँ ये देखिए ये रूट निकाले तो ये इसको मैं थोड़े से बड़े पार्ट में भी आप अंदर भी अंदर भी ड्राॅइंग रूम वगैरह में वाशरूम में आप रख सकते हैं किसी भी पॉट में डाल के वही इसका प्रोसीजर एक क्लियर जो है आप ये जो है, इसकी नारियल इसको आप अंदर डाल देना मुझे घबराहट हो रही है कि वो मर ना जाए प्लांट नहीं मरता अच्छा स्ट्रॉन्ग है, है। हाँ स्ट्रॉन्ग पौधा ये नहीं मरता ये ठीक है तो ये आ, ये जो है बेस पर आप ये रखें और उसके बाद मिट्टी या रेत डालें उसके अंदर ये प्लांट डालें तो इसकी रूट्स बहुत तेजी से ग्रो ना पोंगी ठीक है ठीक है अब जो हम फूल डेकोरेट करेंगे कि हमें ऑलरेडी मैंने कैसे करनी है? हाँ ये मैंने कुछ जिस तरह अक्सर घर में आ, फ्लावर पड़े होते हैं कभी कभी किस कोने कोने में में तो उठा के एक ही जगह पे रखे, तो उसको कैसे अरेंज करेंगे हुँ. तो वो मैं आपको करना बताती हूँ ठीक है और ये देखें ये मैंने एक आप जाया करें नेचर को ऑब्जर्व क्या करें ये देखें कितना खूबसूरत पत्थर है ये कहाँ से निकाला है पानी में से अच्छा ये ये वाकई पानी का कटाओ उसके ऊपर हाँ, पानी इस इस बहुत सारे पत्थर है मैंने एक गार्डन छोटा सा बनाया हुआ है अपने घर में पत्थरों उस... का गार्डन हाँ पत्थरों में प्लांट्स रखे हुए है। है। रखे भले छोटा सा भी घर हो लेकिन अपने थोड़ा सा नर्सरी क्रिएट करें ठीक है अच्छा ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स पड़े हुए हैं जो मैंने इसको बंच बना दिया हुआ है उसमें डाल दिया हुआ है आर्टिफिशियल फ्लावर हैं तो मैं चाहती हूँ इनके साथ थोड़े से अब आर्टिफिशियल के साथ जब हम ग्रीन नेचुरल चीज इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती है तो मैंने ये पाम के लीव अच्छा पाम का लीव जो है ना पाम का जो पौधा है वो भी बहुत अच्छा एटमोस्फेयर क्रिएट करता है और घर के इं, इंडोर भी प्लांट है आउटडोर भी रख सकते हैं मिट्टी में भी मिट्टी में भी चल जाता है और बेम्बू की ट्रीज और आउटडोर भी चल जाता है ठीक है तो ये आपने रैंडम फूल जो है इसमें डाल दिए हैं वो डाल दिए हैं और इसके साथ मैं थोड़े से ये पाम के जो लीवे हैं ये एडजस्ट कर लूंगी ठीक है ठीक है और उसके साथ के एक जरा ग्रीनर सा एक कंफर्टिंग हाँ सा जी बिल्कुल सूदिंग सा एक इफेक्ट आ जाएगा इफेक्ट आ जाएगा जी बिल्कुल सो so, ये आपके सामने हमने इसे जरा एक गार्डन सा इफेक्ट थोड़ा रफ सा कोई बहुत बिल्कुल नॉर्मल सा नॉर्मल सी आपके फ्लावर घर में पड़े हुए हैं तो उसको बंच बनाएं और इस क्रिएट कर लें अच्छा ये जो है बेम्बू के ट्री आ, लीव जो हैं ये ड्राई होके भी गोल्डन या ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं हाँ, जो तो पहले लगे हुए जी बिल्कुल ये देखें ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर ये फेंके भी ना ठीक हाँ, है और इस तरह से इनको अरेंज कर लें ब्यूटीफुल सो खूबसूरत थैंक यू वेरी मच राबिया आपने हमारे साथ ये इतना खूबसूरत सा एक शेयर किया है छोटी uh, छोटी बातें रिमाइंडर्स ही हैं मुझे यकीन है बहुत सारे लोग आपको हमसे ज़्यादा शायद इन्फॉर्मेशन हो लेकिन बाज़ात एक छोटा सा रिमाइंडर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखें मौसम की शिद्दत कितनी ज़्यादा हुई हुई है और कितनी ज़रूरत हमें महसूस होती है कि हमारे पास जो है बेहतर मौसम हो ठंडा थोड़ा सा जो है टम्परेचर इतना ज़्यादा ना बढ़े सो so, कोशिश करें कि अपने माहौल को खूबसूरत रखें दरख्त ज़रूर लगाएँ थैंकिंग यू अगैन आप सबसे भी हमें इजाज़त लेंगे और इन मुलाकात होगी कल फिर उस वक्त तक के लिए अल्लाह